एक दफ़ा मैंने पानी फिर से दबंग एंट्री सीधा मेडिकल वार्ड में पहुंचे सारे देखा मेरे दोस्त में देख के हो गए गायब। मैं चलो भाई तू गायब हो गया, मैं दूर से मैं कुछ खा पी बीमार तू मैं तो नहीं बीमार ना, मुझे तो सब कुछ हिला मैं जल्दी जल्दी कुछ खा पी से पहले फिर वो आए फिर मत रहेगा जल्दी जल्दी कुछ खाते पीते फिर उससे गपशप लगाएंगे। और लगे मतलब पूरा जुम्मा पकड़ पढ़ा करो बाकी जुम्मा कोई तुम्हारे फरिश्तों ने नहीं पढ़ा सारा जुम्मा तुम्हारे लिए बैठो आराम से जुम्मा पढ़ो ऐसे भाग रहे जैसे भाई तुम्हारी आइंस्टाइन के साथ मीटिंग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब, खैरियत से हैं? ठीक हो ना? मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई यासीन खाटक, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल खाटक बैठक। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए। वेलकम बैक हो गया मैं अनदर व्लॉग में, तो उम्मीद करता हूं सब खैर ऑफियत से होंगे, जिंदगी मजे से गुजरी होगी। आज तो जुम्मे का दिन है तो सबसे पहले उम्मत मुस्लिमा उम्मत मोहम्मदी सब को जुम्मा मुबारक। अल्लाह ताला के लाखों करोड़ों अरबों खरबों दफ़ा शुक्र है कि उसने हमें उम्मत मोहम्मदी में पैदा किया, यानी उस उम्मत मोहम्मदी में जिसने खुद भूखी रातें सोई और हमारे लिए दुआएं की। अगर तारीफ़ मोहम्मद में बोलना शुरू कर दूँ तो मैं कहता हूँ मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, दुनिया की कलम दवात ख़त्म हो जाएंगे, पर मोहम्मद की तारीफ़ नहीं भी ख़त्म होगी। अल्लाह ताला के लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उस मोहम्मद की उम्मत में हमें पैदा किया। वैसे आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे वाले दिन उम्मत मोहम्मदी में जो दुरूद इब्राहिम का सवाब है ना वो कायनात में किसी चीज़ के नहीं, क्योंकि जुम्मे वाले दिन पूरे हफ्ते के इंसान जब भी जितने भी दुरूद पढ़ता है नबी दो जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भेजता है, वो जुम्मे वाले दिन अल्लाह ताला उसकी नबी दो जान के बरगाह में लाते हैं फरिश्ते सरकार के बरगाह में, वो दुरूद शरीफ पेश होता है और वो फिर सरकार उस बंदे के लिए दुआ फरमाते हैं। तो कोशिश किया करेंगे पूरे हफ्ते दुरूद शरीफ का ज़्यादा से ज़्यादा वर्द किया करें, जब मौका मिले जहाँ मौका मिले, दुरूद पढ़ने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर बाकी हफ्ते टाइम नहीं भी मिलता तो हफ्ते को अपने शेड्यूल बना ले, हफ्ता बिल्कुल ना मिस किया करें, क्योंकि हफ्ते वाले सॉरी जुम्मे वाले दिन बहुत बेइंतहा ज़्यादा सवाब होते हैं दुरूद इब्राहिम का। तो शुरू करते हैं अपना व्लॉग, अपना दिन दुरूद इब्राहिम और अल्लाह के पाक बाबरकत नाम और दुरूद इब्राहिम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मैं आप पहुँच गया सीधा दुकान में, दुकान में पहुँचते सर देखा कि अच्छा भला गान शान रचा हुआ था, क्योंकि सुबह सुबह अब्बू जी ने कर ली थोड़ी परचेजिंग ज़्यादा और अब्बू जी का फिर हो जाता है बीपी अप एंड डाउन कंट्रोल। कोई नहीं अबू जी मैं आ गया, उन तुझे चिल मारो, मैं करना अपने काम काज। शुरू करते हैं अपना दिन और अपना व्लॉग अल्लाह पाक के नाम से। क्योंकि आज है भी जुम्मे का दिन और जुम्मे का दिन होता है थोड़ा सा शॉर्ट, यानी कि जुम्मे के लिए दुकान शुकान बंद करनी पड़ती है और दुकान के काम भी थोड़े से ज़्यादा होते, तो मैं कहता चलो जल्दी जल्दी शुरू करते अपने काम काज। अबू जी चलेंगे घर, वैसा सुबह सुबह बड़ा मज़ा है क्योंकि अलहमदिल्ला सुबह अलहमदिल्ला मैंने 90% इसराइली प्रोडक्ट्स को बायकॉट कर दिया, जिसमें मेन चीज़ को पेप्सी यूनिलीवर PNG और मतलब कि बहुत मोस्ट कॉमन चीज़ें जो डेली रोज़मर्रा जिंदगी में होती है, तो मैंने सुबह सुबह उन सबको भगा दिया। तो मैंने तो उनको प्यार से भगाया, पर अलाहाबाद में एक स्टोर है आरियल बेकरी वाला, मैं कहता हूँ उसको मेरा सलूट है, अगर वो भी मेरे व्लॉग देखे क्योंकि वो मुझे जानता है बहुत अच्छी तरह, तो वो भी अगर मेरे व्लॉग देखे तो मैं उसको सलूट करता हूँ क्योंकि उसने दिल खुश कर दिया सुबह सुबह। उस शहजादे ने सुबह सुबह ट्यूनिंग कर दी एक इसराइली प्रोडक्ट बेचने वाले की, यानी कि कैडबरी कंपनी की, उसने कैडबरी की एसिड ट्यूनिंग की, कैडबरी क्योंकि इसराइल की और कैडबरी हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे डेयरी मिल्क पर की नहीं कि चॉकलेट्स वाली कम नहीं है, उसने एसिड ट्यूनिंग की दिल हल्का कर दिया। मैं तो प्यार से उनको समझा के भेजा, पर वो उसने फिर सही मज़े की बड़ास निकाली। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अभी भी उम्मत मोहम्मदी में सीना जागे ऊपर हमारे बड़े हुक्मरान, अल्लाह पाक सबको हिदायत दे, अल्लाह ताला करे कल उनके बच्चों को भी हालात हो जाए जो आज फलस्तीन में मुसलमान बच्चों बहन भाई और माओ की हो रही। तो चलो शुरू करते हैं अपना दिन अपने काम काज। दुकान के काम खत्म करने के बाद मैंने कल अपना हैबूस और इरफान भाई को लेकर मैंने कल पर सीधा मस्जिद की तरफ, क्योंकि मस्जिद हमसे कुछ वॉकिंग डिस्टेंस में, अगर पैदल जाएंगे तो टाइम लेट हो जाएगा, पर आखिरकार हम पहुँच गए अपनी मस्जिद में भी लगा दें यहाँ पर अपना बाइक और बाइक लगाने के बाद मैं पैदल वॉकिंग डिस्टेंस पर अंदर जाऊँगा मस्जिद की। चलो बैल करते नीचे बाकी कब शुरू लगाएंगे जुम्मे के बाद, क्योंकि ये साथ है हमारी मस्जिद, मैंने कल ली बाइक। भाई जुम्मा पूरा पढ़ के जाओ यार, बाकी जुम्मा तुम्हारे फ्रेशनों ने पढ़ना नहीं, दो फर्स पढ़ के तुम लोग ऐसे भागने लग जाते जग से बाहर तुम्हारी कोई बहुत बड़ी मीटिंग है, बाहर जाके 15 मिनट 20 मिनट खड़े हो जाएंगे, पर अंदर आगे नमाज पूरी नहीं पढ़ेंगे। आखिरकार मैं भी निकल पड़ा सीधा बाहर की तरफ, क्योंकि मैं नमाज पढ़ ली, नमाज पढ़ने के बाद मैं निकल अपना हैबूस और निकल पड़ा सीधा दुकान पर, क्योंकि मैं हो गया बहुत बेंतहाजर, मैं पिछले 15 से 20 मिनट से इंतफार में मस्जिद के बाहर वेट करना, पता नहीं इंफार्म में निकल गए कहाँ पे। वैसे अच्छे प्लान खेला इरफान भाई ने मेरे साथ, बिल्कुल वो सामने जो कॉर्नर पे मोबाइल शॉप है ये है इरफान भाई की, मैं उसको मैसेज भाई वेट कर रहा था, वो साहब ज़्यादा पहुंचे हुए यहाँ पे दुकान पे, मैं सोचा आप उसमें दुकान में पहुँचा तो मेरे को लग गई भूख, तो चलो भूख उठाने के लिए कुछ खाते हल्का बुल्का खेला चला। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं सुके, सुके, सुके। आज का पूरा दिन तो शदीद पेन में गुजर गया, क्योंकि मुझे काफ़ी देर से दांत में हो रहा है अच्छे भले वाला दर्द, मैं खुद दांत का दर्द कर दम करता हूँ, आज मेरे को ऐसे दर्द हो रहा है कि जिसको इंतहाई नहीं,
सुबह से सोच रहा हूँ कि डॉक्टर के पास जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ, सोच सोच में हो गया। मगरिब का टाइम यानी कि अच्छा वाला टाइम हो गया। वैसे रात के ज़्यादा मुझे सी एम एच जाने का होता है, अपने आपको दान में भी जाता है, सोच के हॉस्पिटल जाऊँ या इधर दान का चेकअप कराने जाऊँ। पर दिल में अजीब सी घुटन सी हुई क्योंकि मुझे ज़्यादा डॉक्टरों से मेरी बनती नहीं है, मेरे ज़्यादा कुदरती बस डॉक्टरों से एक अजीब सी नफरत सी है। डॉक्टर के पास जाने को दिल नहीं करता, पर क्या वजह तो यार अभी दान में शरीर वाले पेन है, सारा दिन तकलीफ में गुजरा, अभी जाकर ले आए टेबलेट्स। चार बार बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। काफी देर से पेन और अच्छे बड़ा शरीर वाला पेन और बोलने नहीं, और मेरे से महंगे कोई नहीं आया क्योंकि मुझे डॉक्टर से पहला वजह अपनी अजीब सी नफरत है क्योंकि ये लोग सीने में बात नहीं करते और मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। रुको जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। अभी काफी देर से पेन बर्दाश्त करें, देखते हैं अगर कोई सीन बना तो सीधे चला जाऊंगा सीएमएच, अगर ठीक ना हुआ तो फिर पहले अपने चेकअप कराऊंगा फिर सीएमएच जाऊंगा। तो मेरे को हो रही हल्की वाली चाय की तरफ, अब सोचे पहले चाय मारी जाए या पहले चेकअप कराया जाए, पर देखते थोड़ा वेट करते, अगर ठीक ना हुआ तो चूर चौक चले जाएंगे चेकअप करा दी तो सीधा रात को मिलेंगे सीएमएच में फौजी के पास। आखिरकार मुझे मौका मिल गया, मौका मिलते साथ मैं निकला अपना हयाबूसा, निकल पर सीधे सी एम एच के लिए क्योंकि मेरे फौजी दोस्त काफ़ी दिनों से एडमिट है, उसको सर्जरी डेट दी, वो बेचा कह रहा लेट लेट के तंग पड़ जाता, वो कहता है जैसे तू आया तो उसी गपशप करेंगे, थोड़ी टाइम पास करेंगे। चल मैं कह चलो मैं आ रहा हूँ, वैसे जल्द से पहले मैंने उसको कॉल करी क्योंकि जब भी मैं उसको कॉल करूँ उसके ससुराल वाले आए तो उसके होम मिनिस्टर आया तो वो टाइम नहीं दे पाता, उसको मैंने बोला कि उनको निकाल मैं आ रहा हूँ, वो कहते ठीक है तू पहुँच मैं उनको बेचता हूँ। सखर ठंड में मैं पहुँच गया सी एम एच, वैसे जिससे ठंड बढ़ती जा रही लगता है, लगा शुक्र कि पेशेंट्स को लगभग रिकवर करता जा रहा है और सी एम एच सुनसान होता जा रहा है। पर अभी मैंने चलना सीधा फौजी की तरफ क्योंकि मैंने फौजी को मिलना काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई, काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई, कल के परसों में दो दिन चलाया था, फिर मैं फिर चक्कर लगा दूँ क्योंकि दो एक दिन बाद उसकी सर्जरी है, तो चलो मिलते हैं अंदर उसको। वैसे आज तो उसके पास कोई भी नहीं है, मेरे ख्याल में भाभी भी जा चुकी हूँ क्योंकि मैंने कॉल की, लोग अपने भाभी जा रही है तू आज मैं चल जाए, मैं चल भी चले जाए उसके वार्ड में, फिर उसके चल जाएंगे अपनी गपशप आज। दोस्त हो तो ऐसे में जैसे पहुंचा वार्ड में, वार्ड में पहुंचे साथ ही मेरे दोस्त मेरे को देख के हो गए गायब, मैंने पता तू गायब हो जाए, पर मेरे को लगी भूख, मैं इतनी देर से आया हूँ, मेरा कुछ खाना पीना बनता बेशक जो भी मर्जी है, मैंने उसके एनसीबी को बोला मुझे जल्दी से कुछ खाने पीने को तो वो मिल जाए, ठंडा ठंडा जूस साथ कुछ ताज़ा अंगूर, मैं कुछ खाते पीते क्योंकि दोस्त मेरे बीमार है, मैं तो नहीं बीमार ना, खाने पीने मेरे लिए अलावा उसके लिए परेज मेरे परेशानी नहीं, वो देखो उसका बेड खाली पड़ा हुआ है सीधा, उसका एनसीबी बैठा हुआ, मैं चलो उसका वो चला गया, अब उसके बेड में थोड़ी देर उसकी जगह लेता हूँ, थोड़ा रेस्ट कर दो, उसको अंगूर शंगूर खा लूँ, उसके बाद फिर गिर लेटेंगे चलेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि इतनी दूर से आए, मेरा रेस्ट करना तो बता नहीं यार। अगले बार फिर मैं हॉस्पिटल से हो गया अच्छा भला लेट, निकलते निकलते मुझे हो गया रात के 2 बजे और मेरे को लग रही अच्छी बजे उस टाइम, तो मैंने फिर दिमाग यूज किया, मैं कहा चलो यार इस ट्रक को फॉलो करते हैं, उसके पीछे भी जितने ये ट्रक हो गया ये काम मेरा खराब हो गया, अभी सब चलते आगे की तरफ, वही आगे खोल वही आ रहे, चलो इस ट्रक को फॉलो करते हैं, साथ रहेंगे तो मेरे को ठंड नहीं लगेगी, बट ट्रक ऐसा है कि पीछे अभी हम पहुँचते हैं आगे। गपशप का